राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज आठवां दिन है और ये यात्रा आज अरुणाचल प्रदेश से दोबारा असम में लौट आई है। असम के मुख्यमंत्री जहां एक तरफ राहुल को जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ फिर से असम की सड़कों पर उतरकर जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो चलिए आपको बताते हैं असम में आज राहुल गांधी क्या कुछ करेंगे खास और क्या है यात्रा का पूरा प्लान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज आठवां दिन है। राहुल ने आठवें दिन की शुरुआत राजगढ़ होलोंगी असम अरुणाचल प्रदेश के सीमा से की है। राहुल ने असम लौटते ही सुबह 8 बजे राजगढ़ में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ चाय पर चर्चा की। उसके बाद राहुल ने स्वतंत्रता सेनानियों स्वाहित कनकलता और मुकुंद काकाती की कांस्य प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर यात्रा को आगे बढ़ाया। उसके बाद बस से यात्रा आगे बढ़ी और विश्वनाथ चारियली में सार्वजनिक संबोधन का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद राहुल गांधी ने 12 बजे विश्वनाथ के मुखरगढ़ में सुबह का ब्रेक लिया। अब यात्रा दोबारा 2:30 बजे से असम के जमुगुह रिहाट सोनितपुर से शुरू होगी और 3 बजे राहुल गांधी मुलुंग हाई स्कूल ग्राउंड, राजीव गांधी स्पोर्ट्स फील्ड, कलियाबोट नगांव में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे और फिर राहुल गांधी की न्याय यात्रा वुवाना रुपही में रात्रि विश्राम करेगी। वहीं असम में प्रवेश लेते ही राहुल गांधी ने सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर हमला बोल दिया और हिमंता को भ्रष्ट सीएम के साथ साथ घबराया हुआ बताया है। अभी असम में कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं। असम के पहले दौरे के दौरान भी राहुल गांधी ने सीधा हमला हिमंत बिस्वा सरमा पर बोला था, जिसके बाद हिमंता पूरी तरह से बौखलाए हुए नजर आए थे। इतना ही नहीं, यात्रा को रोकने के लिए यात्रा पर हमले भी कराए गए, जिसके बाद कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के तमाम नेताओं ने बीजेपी को घेर लिया। भारत जोड़ो यात्रा के आयोजक केवी बायजू के खिलाफ असम में FIR भी दर्ज की जा चुकी है। राहुल गांधी के असम में पहुंचते ही हिमंत बिस्वा सरमा घबराए हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं राहुल के असम में पहुंचते ही क्या कहा है सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने, सुनिए। राहुल गांधी पहले तो मुझसे डरता था, अभी मेरा बच्चा से भी डरना शुरू कर दिया। वहीं राहुल ने भी बड़ा पलटवार सीएम शर्मा पर किया है। राहुल ने फिर से सीएम को भ्रष्ट बताते हुए करारा हमला बोल दिया है। क्या कुछ कहा है राहुल ने, सुनिए। किसने किसने अभी तो बीजेपी ने बोला है, अभी एलिगेशन है क्योंकि वो डरे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर डरे हुए हैं, भ्रष्ट हैं, घबराए हुए हैं। तो सुना आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने पलटवार सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर किया है। बताया ये भी जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश हो रही है, साजिश रची जा रही है, अब कोई बड़ा खुलासा कांग्रेस कर सकती है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोहरा ने भी एक बड़ा खुलासा हिमंत बिस्वा सरमा के बारे में किया था। आने वाले दिनों में कांग्रेस कई बड़े खुलासे कर सकती है। DV लाइव की रिपोर्ट।